जो आने वाला वक्त है 2020 का, जो हमने हालत देखी है, जो 2021 आएगा, मुझे लगता है कि बहुत लोगों को ये एक रियलाइजेशन होगी कि जैसे ये वर्क फ्रॉम होम एक कॉन्सेप्ट आ गया है, और अब सुनने में आ रहा है कि बहुत सारी चीज़ें वर्क फ्रॉम माउंटेंस, वर्क फ्रॉम हिल स्टेशंस, है ना, ये भी आ रहे हैं. द फ्यूचर लाइज इन द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट ऑफिसेज बनेंगे. कैसे? जंगलों में लोग कॉटेजेस बना बना के उसको किराए पर देंगे कि आप आइए और अपने ऑफिस का काम कीजिए. वाईफाई ब्रॉडबैंड वहाँ प्रोवाइड करना पड़ेगा उनको, ताकि प्रिंटर्स हैं, स्कैनर्स हैं, जो भी चीज़ें हैं वो भी आजकल फ़ोन्स में आ जाते हैं. मेरा कहने का मतलब ये है, जो ग्रीन स्पेसेस हैं, चाहे अर्बन एरियाज़ हों, रूरल हों, और चाहे अच्छे अच्छे हमारे जो नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, और रिजर्व फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, आई थिंक द गवर्नमेंट शुड एनकरेज दिस थिंग एंड द कॉरपोरेट्स शुड टेक दिस लीड. किस बात पे? टू सेट अप फॉरेस्ट ऑफिसेस, ऑफिसेस इन फॉरेस्ट. वो तो मेरी लैंग्वेज है, वो तो मैं बता रहा हूँ ना, फॉरेस्ट ऑफिसेस. जब आप लोग ब्रांडिंग करेंगे, देर आर मोर क्रिएटिव पीपल. कॉरपोरेट्स जब अपना काम करते हैं तो वो तो बहुत क्रिएटिवली करते हैं, और फिर उसको एक अच्छा सा ब्रांडिंग करके आप अच्छा ऑक्सीजन, अच्छी हवा, तरोताज़ा, वेलनेस का एक तरीके से पूरा साजो सामान वहाँ पर होगा, और आप वहाँ से काम कीजिए. अगर आपको लैपटॉप पे और वाईफाई के ज़रिए से ही काम करना है, देन हाउ डज इट मैटर वेयर यू आर सिटिंग. आप दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, चेन्नई में बैठें, या आप पहाड़ों में किसी एक प्यारे से जंगल में बैठें, तो अच्छी जगह से जाके काम कीजिए अगर काम करना है तो. तो ये फॉरेस्ट सर्विसेज, जो फॉरेस्ट के बीच में ये ऑफिस सर्विसेज, ऑफिस फैसिलिटीज़ का जो दौर आएगा, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा इनफैक्ट आई एम क्वाइट कन्विंस्ड अबाउट इट, कि ये देखना आप एक साल, डेढ़ साल रुक जाइए, देखिए ये पक्का होगा, आपकी जो ऑफिस फैसिलिटीज़ हैं वो फॉरेस्ट में शिफ्ट हो जाएंगे. ये सब पोल्यूशन को देखते हुए, ट्रैफिक को देखते हुए, अर्बन जो आपाधापी है ये सब देखते हुए, आप देखिएगा एक दिन हम सब लैपटॉप लेके जंगल में बैठे होंगे.